डियर स्टूडेंट्स uh, मुझे इस मॉड्यूल में आपसे सीमेंटिक इन्फ्लुएंस ऑन सिंटैक्टिक डेवलपमेंट यानी अल्फाज मानी का ग्रामर uh, पर असर इसके बारे में बातचीत करनी है सो चिल्ड्रंस इमरजिंग सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज हैज़ इफेक्ट ऑन देर अर्ली सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स तो बच्चों की जो जो इब्ताय तौर पे वर्ड्स मीनिंग वो सीख रहे होते हैं उनके ग्रामर पैटर्न्स पर उसका उसका बड़ा बड़ा गहरा असर है यानी यूँ समझें कि जब वर्ड्स मीनिंग जब तक वो नहीं सीखेंगे तो वो फिर आगे ग्रामर के डिफ़िकल्ट प्रिंसिपल्स को नहीं सीख सकते तो इस लिहाज से जो ग्रामर के जो में के अल्फाज सीख यानी ग्रामर के कवानीन सीखने के लिए यानी स्ट्रक्चर सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर सीखने के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि बच्चों को अल्फाज मानी का इल्म अच्छी तरह आना चाहिए सो अर्थेटिक स्ट्रक्चर्स आर ऑफन बेस्ड ऑन द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड्स दे आर यूजिंग तो अक्सर ये इनका इन्हसार मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स पर होता है जो वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं ग्रामर के जो प्रिंसिपल्स हैं उनका इसार मीनिंग्स पर होता यंग चिल्ड्रन मे यूज टू वर्ड्स फ्रेज़ेस लाइक मम्मी आप डोगी बॉल टू एक्सप्रेस सिमेंटिक रिलेशनशिप बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स आर एक्शंस यानी ऑब्जेक्ट्स और एक्शंस के दरमियान रिलेशनशिप कायम करने के लिए वो टू वर्ड्स वाली फ्रेजेस इस्तेमाल कर सकते हैं और बोल सकते हैं और एज सिमेंटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज एक्सपैंस चिल्ड्रन लैंग्वेज ग्रो जो ही बच्चों का जो वर्ड्स uh, मीनिंग का जो उनका नॉलेज बढ़ता है तो उनकी लैंग्वेज भी ग्रो करती है सो दे कैन इंक्लूड मोर सिंटेटिक स्ट्रक्चर तो वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ग्रामर के प्रिंसिपल्स को इनकलूड कर सकते हैं लाइक नाउन्स एंड वर्ब फ्रेज फ्रेजेज में तो नाउन और वर्ब फ्रेजिज भी जो uh, यानी लैंगवेज की कंस्ट्रक्शन में Uh, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाइन है इनकी तादाद तो इसमें वर्ब्स और नाउंस uh, एक दो अहम uh, इसके पार्ट्स हैं जो लैंग्वेज डेवलपमेंट में यूज़ होते हैं और ये लैंग्वेज डेवलपमेंट में ये दोनों का बड़ा गहरा असर है सिमेंटिक्स एंड सिंटैक्स आर क्लोजली नॉटेड, यानी जो वर्ड्स मीनिंग नॉलेज है और ग्रामर के उसूलों का नॉलेज है ये बच्चों की लैंग्वेज लर्निंग के साथ बहुत गहरे जुड़ा हुआ है क्लोजली नॉटेड है ये रिलेटेड है अंडरस्टैंडिंग सर्व्स अ फाउंडेशन फॉर गेनिंग ऑफ मोर कॉम्प्लेक्स सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स जो ग्रामर के कॉम्प्लेक्स प्रिंसिपल्स हैं वो उनकी बुनियाद वर्ड्स uh, मीनिंग का नॉलेज बनता है और जो ही बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स मीनिंग सीखते हैं तो उनकी ग्रामर के प्रिंसिपल्स भी बेहतर होते जाते हैं और वो कॉम्प्लेक्स रूल्स को इस्तेमाल करने आसानी से कर लेते हैं और वक्त के साथ साथ वो बच्चे जो ज़्यादा रिफ़ाइन वर्ड्स मीनिंग के रिलेशन को अच्छे अल्फाज के साथ रिफ़ाइन फ्रेज़स के साथ वो इस्तेमाल कर सकते हैं और फिर सिमेंटिक क्यूज एंड यूज़ ऑफ ग्रामेटिकल मारफीम्स आर इम्पोर्टेंट ये बहुत इम्पॉर्टेंट होंगे सच एज़ वर्ब टेंस एंड एग्रीमेंट तो वर्ब और टेंसेस जो हैं ज़ाहिर है वर्ब्स जो है वो टेंसेस वर्ब की डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट टेंसेस में यूज़ होती हैं तो इस लिहाज से इनका बड़ा गहरा रिलेशनशिप है फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन मे यूज़ पास्ट टेंस एड मारफीम्स मोरिक्यूरेटली यानी पास टेंस में वो ई डी जो है मारफीम्स को बेहतर अंदाज में वो यूज़ कर लेते हैं जब उनकी लैंग्वेज ग्रो होती है और वो कुछ टेंसेस का कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं और कॉन्टेक्स वे द रिलेशनशिप बिटवीन द पास्ट एक्शन एंड द प्रजेंट मूमेंट इज़ क्लियर और इस लेवल पर जब वो करते हैं तो पास्ट इवेंट्स और करेंट मूवमेंट के दरमियान उनका रिलेशनशिप बड़ा वाज होता है तो ये थे सिमेंटिक इन्फ्लुएंस ऑन सिंटेक्टिक जिस जिसपे मैंने आपसे बात की